नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम दो आयामी आकृति को पहचानते समय होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। गैफी, मैं कुछ आकृतियाँ बना रही हूँ, इसे देखकर क्या तुम बता सकती हो ये कौन सी आकृति है? इस आकृति को मैंने तीन रेखाओं से इस तरह बनाया है। बताओ इस आकृति का क्या नाम है? जो आकृति तीन रेखाओं से बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं, इसलिए ये एक त्रिभुज है। गैफी, तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। क्या तुम इस आकृति को देखकर बता सकती हो ये कौन सी आकृति है? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी आकृति है? आपने बिल्कुल सही पहचाना। इस आकृति में कोई किनारे नहीं है और ये गोलाकार है, इसलिए ये एक वृत्त है। गैफी, ये चित्र देखकर बता सकती हो ये किसकी आकृति है? यहाँ मैंने चार बराबर रेखाओं को इस प्रकार बनाया है। हाँ, ये एक आयत है। आयत में हम चार रेखाओं का उपयोग करते हैं। नहीं गैफी, ये आयत नहीं है, ये एक वर्ग है। वर्ग के सभी रेखाएं बराबर होती है। हाँ माँ, मैं समझ गई। और ये रहा आयत, इसके ऊपर नीचे की रेखाएं एक समान है और आमने सामने की रेखाएं एक समान है। बिल्कुल सही गैफी। बच्चों, अब आपकी बारी है। यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। आकृति को अपनी कॉपी पर बनाकर उनका नाम आकृतियों के नीचे लिखकर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने दो आयामी आकृति को पहचानते समय होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जाना।